हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्रा और आज हम लोग सीखेंगे इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और उसके साथ ही उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और एक क्वेश्चन जो जेई एडवांस के लेवल का है उसको डिस्कस करेंगे, सो दैट कि ये जो थ्योरी है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो बिना कुछ देरी के चलो हम लोग सीखते हैं कि इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंडेफिनिट एज वेल एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये एक क्वेश्चन है जो मुझसे एक बच्चे ने डाउट एज अ डाउट पूछा है। यदि आपके भी क्वेश्चन है तो आप भी हमें पोस्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसको मैंने डिस्कस करना सही समझा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता है कि कौन सी थ्योरी लगेगी, इनवर्स का इंटीग्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, और बहुत देर में ये क्लिक करता है, एकदम डायरेक्ट क्लिक नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने आप एंड देन यू कैन लुक एट आवर सॉल्यूशन। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का क्यूब रूट है, जिसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन, ये लिखा जा सकता है। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है जीरो से टू, सिर्फ इतना वाला, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जीरो से टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। और साथ ही साथ यहां पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वन से लेके थ्री तक क्यूब रूट ऑफ, देखो यहां इसको टी लिया तो ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी है शिफ्ट हो जाएगी वन यूनिट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ये इस तरह से हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, तो उसका मेन रीजन ये है, देखो यहाँ पे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन करूं तो एफ क्यूब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स का वैल्यू आएगा, इसको इधर ले गए तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस एफ क्यूब एक्स। और ये यदि हम बात करें तो एफ इनवर्स की बात करें तो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब, और जो कि यहां पे ये एफ इनवर्स गिवन है। तो यदि हम इसको एफ एक्स एज्यूम करें कि लेट से ये एफ एक्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स डीएक्स, ये हमें देखना कि ये हम कैसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू वन इंटू एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। सो एफ इनवर्स एक्स इंटू एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन दैट इज एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे करके आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कैंसिल करने पर,
और हमें पता है कि f ऑफ f इनवर्स x ये आता है x के इक्वल। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसी को हम लिख सकते हैं x f इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह लिख सकते हैं f ऑफ f इनवर्स x और d ऑफ f इनवर्स x ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ लेट एक नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं जो कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स। लेट्स से अज्यूम दिस फंक्शन कैपिटल एफ एक्स जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है, तो यही इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स एफ इनवर्स एक्स माइनस, देखो यहां पे एक्स की जगह यदि मैं एफ इनवर्स एक्स पुट कर दूं तो ये क्या होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। सो ये तो रहा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, पर अब यदि यहां पे कुछ ऐसा हो ए से बी एफ इनवर्स एक्स डीएक्स तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स एफ इनवर्स एक्स एंड ये आएगा ए टू बी माइनस, देखो यहां पे भी क्या हो गया ए टू बी आएगा तो ए टू बी आ जाएगा, मतलब इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ f इनवर्स b माइनस f ऑफ f इनवर्स a, ऐसे लिखा जा सकता है और ये होल ब्रैकेट इस तरह से आ सकता है। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है और ये क्या हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन से, सो इतना आ जाएगा है ना। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, ये देखो ये ऐसा हो गया, देखो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके ये इस तरह से आएगा। सो ये एक थ्योरम बन गई है, आप चाहे तो इसको रिमेम्बर कर सकते हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरी। देख लेते हैं इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो यहां पे हमने एक ग्राफ लिया है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, ये y इक्वल टू fx है, तो इस एक्सिस के अलोंग ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा f इनवर्स x का काम करेगा। तो a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, a पे फंक्शन की वैल्यू c है। यहां से कुछ रिजल्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं, पहला रिजल्ट है कि f ऑफ a इज इक्वल टू c है, दिस इंप्लाई f इनवर्स c जो होगा ये f इनवर्स हो जाएगा, तो f इनवर्स c कितना हो जाएगा, ये हाइट मतलब a हो जाएगा। अच्छा दूसरा केस हम लोग क्या देख सकते हैं कि f ऑफ b जो है इसकी वैल्यू है d, ये d हो जाएगा, दिस इंप्लाई जो f इनवर्स d होगा इसका वैल्यू हो जाएगा d, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो अब देखो यहां पे यदि मैं कहूं कि a से b fx dx प्लस यहां c से d ये f इनवर्स
ये मैं y लिख देता हूं इंस्टेड ऑफ x, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना हो dy. तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो रेड रीजन है इस पूरे का एरिया हमें निकालना है. तो ये एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, देखो b टाइम्स d हाइट bd माइनस a टाइम्स c. तो यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू b fx dx प्लस, देखो c कितना है, c को लिख सकते हैं f ऑफ a, और d को लिख सकते हैं f ऑफ b, और ये f इनवर्स x dx. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यहां पे ये b है और d कितना है, d का वैल्यू f ऑफ b, तो मतलब b f ऑफ b हो गया माइनस a टाइम्स c, c मतलब f ऑफ a. तो अब ये तुम्हारे लिए थ्योरम हो गए कि a टाइम्स a टू b fx dx प्लस f इनवर्स x dx, और यहां पे जो लिमिट है फंक्शन की a पे वैल्यू, और यहां पे जो लिमिट है फंक्शन की b पे वैल्यू. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, b f ऑफ b माइनस a f ऑफ a. तो आप इसको याद कर लीजिए, टू बी रिमेम्बर, एंड दिस इज द थ्योरम दैट वी नीड टू लर्न. ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी हमने देखा था शुरुआत में प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन की थी, जहां हमें पता चला था कि हमें इसमें इनवर्स इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाना है. तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो 0 टू 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 0 से 2 क्यूब रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 dx, ये लिखा जा सकता है. तो और इसी को सिर्फ इसको लिख रहा हूं, दैट इज 1 टू 3 क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx. सो यही हो जाएगा 0 से 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, यहां dx बना देते हैं, dx प्लस 1 टू 3 क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx. तो लेट्स से यदि मैंने इसको fx अज्यूम कर लिया, लेट्स से अज्यूम दिस टू बी fx, तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा. ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था. अब मैं यहाँ फिर से कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, सो x स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस y क्यूब, एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y क्यूब. तो आप देख सकते हो कि ये क्या बन जाएगा, x को हम f इनवर्स x से रिप्लेस करते हैं और y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो 1 प्लस x हो गया, x क्यूब हो गया. तो यदि ये fx है और ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा. अब देखो यहां पे यदि हमने ये fx अज्यूम किया है, क्या किया है, fx, तो f ऑफ 1 कितना आ रहा है, f ऑफ 1 देख लेते हैं, इसका वैल्यू आ रहा है f ऑफ 1 दैट इज 0, 0 आ रहा है, और f ऑफ 3 कितना आ रहा है,
थ्री पे फंक्शन की वैल्यू, यदि मैं इसमें थ्री पुट करूं तो ये 9 - 1 मतलब 8 का क्यूब रूट आएगा और वो होता है 2, तो ये 2 हो गया। तो क्या ये अपना प्रीवियस थ्योरम से मैच कर गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 times f of 3 - 1 times f of 1, है ना। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, देखो मैं यहां आंसर लिख देता हूं, 3 times f of 3 का वैल्यू कितना होगा, देखो यहां पुट करते हैं तो 3 square is 9 - 1 f of 3 यहां पे हमने निकाला हुआ है, दैट इज 2 - 1 into f of 1 है 0, सो 6 इज द आंसर। थैंक्स।